इतनी ताकत होती है भैया, वो मरे व्यक्ति को भी जिंदा कर देता है। अगर वस्त्र किसी प्रकार से तुझे मिल जाए सेठ, हरे का सारा श्याम हमारा। और वो बसंत इसलिए उसको बोलते हैं, वो केवल बसंत पंचमी के दिन ही बदला जाता है। वो जो वस्त्र है बाबा श्याम के गले में रहता है, वो बसंत पंचमी के दिन ही बदला जाता है, इसके अलावा 12 महीने में कभी नहीं बदला जाता। उसने कहा बाबा मैं तेरी चौखट पे आ रहा हूं, और वो बाबा अब मेरा मैं देखता हूं तेरी चौखट पे आ गया हूं, अब आगे का काम तेरा है। लो आ गया अब तो श्याम मेरे शरण पे,
बाबा के दर पे गया खाटू, और बाबा का नाम है हारे का सहारा। जो जीव हार जाता है, ए मेरे मुकद्दर के मालिक, अब प्यारे एक बात बोलूं, जिस पर बीतती उसी पता लगता है दुख क्या होता है। कहना तो बहुत आसान होता है। उसने कहा बाबा बस ये वस्त्र मिल जाए, मेरी कृपा का प्रसाद मिल जाए, और मेरी किस्मत भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन बाप को ना हार नहीं मानूंगा, हार तो नहीं मानूंगा, और हार के तो तेरे घर पे आया हूं, दुनिया से हारा हूं बाबा, तेरे घर पे आया हूं। बताओ आंसू तीन प्रकार के होते हैं, एक तो विरह के आंसू की याद में जब आंसू आए वो विरह के आंसू होते हैं, एक वंदना के आंसू उसको याद करते करते उसको विवादित करते करते आंसू आए वो वंदना के आंसू होते हैं, और एक वेदना के आंसू जब लग जाए चोट लग जाए तो आंसू आए वो अपने खुश में से दुखी कर दे। बाबा किसी के देखो वेश बदल के आते हैं, किसी से कहा इसके वस्त्र दे दो, उस बच्चे उसको वस्त्र मिल गया, बाबा भी लेने वाला वो शेर थोड़ा थोड़ा गया, जैसे किसी भूखे को भोजन मिल गया हो, किसी प्यासे को पानी मिल गया हो, दुख गया पर कहां पहुंचा, अपने बेटे के पास पहुंचा, और जाकर उसके तकिए के नीचे है ना, ध्यान से सुनो, उसके तकिए के नीचे वस्त्र रख दिया, और तकिए के नीचे जैसे वस्त्र रखा तो मानो किसी मुर्दे में प्राण आ गए, मानो किसी मुर्दे में हलचल हो गई, बच्चा अंतिम सांसे के मिला था लेकिन प्राण स्टार्ट हो गए, जैसे बहादुर सुनते सुनते उस सूखे अंडे ने वो अग्रदूत अंडे में प्राण आ गए, तो मां के घर में 12 साल से सुखदेव जी रहे, भागवत ने आपने सुना है, तो मानो उसको सब कुछ मिल रहा हो, और देखो संजो शेर के पास कौन आता है कि सुनो कोई अमेरिका से डॉक्टरों की टीम आ रही है, क्या लेकर का विचार सेठ लेके गया ऑपरेशन थिएटर में, जाकर बच्चों को छोड़ गया बाहर आया, और जैसे शाम चेहरा था, 4-5 घंटे ऑपरेशन चला, और 5 घंटे के बाद पता नहीं डॉक्टर आए बाहर, बेचारे हिंदी नहीं जानते थे लोग, और आकर मुस्कुराने लगे डॉक्टर, उनका ऑपरेशन सफल हो गया, ऑपरेशन सफल हो गया, लेकिन वो ऑपरेशन हमने नहीं किया, हमने ऑपरेशन नहीं किया तो किसने किया, कि आपका एक इंडियन भगवान था, इंडियन गॉड था, जिन्होंने अपने हाथों से करके ऑपरेशन किया, अपने हाथों से ऑपरेशन भगवान किया, प्रबल प्रेम के पाले बैठकर प्रभु को नियम बदल दे, अगर उसने कहा बाबा तेरी कृपा से मेरा पुत्र जिंदा हुआ है मरा हुआ ना, अब अगर बाबा आपके जीवन में काम करके, मैं फिर कह रहा हूं आप 3 दिन में यहां पर अर्जी लगा देना अर्जी मंजूर होगी, मुझे विश्वास, अगर बाबा काम करते तो क्या करना है, यहां से ठस मत बोल देना ना, वापस खाते जाना, बाबा इस चौकट से मिला, इस चौकट का बहुत बहुत धन्यवाद है, वापस चौकट पर जाना, और अकेले मत जाना, अच्छे काम को अकेले मत किया करो, सबको मिलेगा, बोले जवान में कौन किसको साथ लेता है, देख मिला लेते लोग आ जाए तेरे लोग बात करते देते लोग, और वहां वो शेख वापस उस बच्चे को लेकर खाट हो जाता है उस बाबा के चौके पर, और किस लिए माथे टेकने के लिए, मैं
सुदामा के पास कृष्ण रूप नाम धन था, राम का नाम धन था, असली धन तो वही है। और सुदामा यूं ही नहीं बने, सुदामा के हाथों में तो वो रेखा थी जो गोविंद के हाथों में नहीं थी। सुदामा के हाथ में वो रेखा थी जो भगवान के हाथ में नहीं थी। फिर भी सुदामा का नेत्र बन गया। अगर सुदामा के हाथों की रेखा को पढ़े तो सुदामा के हाथ में भगवान नारायण के हाथ में रेखा नहीं थी, वो रेखा धन की थी सुदामा के हाथ में। फिर सुदामा दरिद्र बन गए, सुदामा गरीब बन गए। इसका मतलब क्या हुआ? किसका हिस्सा नहीं खाना चाहिए। अगर आप किसी का हिस्सा खाओगे तो परिणाम होगा। लेकिन सुदामा ने हिस्सा जानबूझकर नहीं खाया, उनको पता था इसके पीछे की कहानी है। ध्यान से सुनो, जय श्री ओंकारी बढ़ते रहो, बढ़ रहे हो ना ओंकारी? कैसे बढ़ते ओंकारी? एक आप जो कोई कहानी को कहानी बोले, एक माता दूसरी माता ने वो ये बोले, आप गेहूं या चावल जो भी हाथ में ले, अरे सामने वाली माता बोले मतलब अब गुरु वो तुम्हारी जोर जोर चिल्लाई सांझे किसी का आश्रम पास में ना चोर छुप रहे और चोरों से कोर्ट ने छूट दी। चोर वहां से भागे, गुरु मां से उसे जाने दिलाने की वोट ली थी, वो जैसे पोटली मिली आज सुदामा को दे दिया कि मांग लेता लेना। सुदामा के हाथ में जैसे पोट ले, सुदामा समझ गया कि अगर मैंने इसका ये पोटली का ये पूरा अगर मैंने नहीं खाया, अगर कृष्ण ने खा लिया तो द्वारिका का दीश दरिद्र दरिद्र हो जाएगा, परमात्मा का दरिद्र देने वाला दरिद्र हो जाएगा, तो कौन सा किसके पास जाएगा? इसलिए सुदाम ने किसी का खाया, सुदाम नहीं खा सकता था। सुदामा तो वो ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण था, समझो। लेकिन इसी का खाने का कारण देखो क्या हुआ, वो तो कृष्ण था, उसका ऋण उतार दिया। मेरी व्यास कक्षा पर प्रेम शब्द का जिक्र आया है, दो लोगों का मैं जिक्र करूंगा यहां से। एक तो गोपियां जो पढ़े लिखे नहीं थी, वो भगवान से प्रतिपल प्रेम करती थी, और एक भाई भरत। अगर आप अपने घर में सुख शांति चाहते हो, संपन्नता चाहते हो, ईश्वरी चाहते हो, तो भरत चरित्र पढ़ा करो। निर्व्यास जी से कहने पर दुनिया जो चैनल के माध्यम से सुन रही है, सबसे कहूंगा घर बैठे हुए एक बार भरत चरित्र जरूर पढ़ लो। राम जी ने राज्य नहीं किया तो भरत जी ने भी राज्य नहीं किया। राम जी के चरण पादुकाओं ने महाराज किया है, वो होता है राम राज्य। राम राज्य की उन तो कल्पना है, राम राज्य भरत के रोम रोम से प्रेम निश्चित होता है यार आपके प्रति। पर गोपियां तो कहां पड़ी लिखी है, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, याम उधो हमें श्याम ही सुकाम है, श्याम ये श्याम ये श्याम ही नामी आंध्र की लाकड़ी आधार श्याम क्या जाने कोई क्या जाने कोई क्या जाने मुझे मिल गया कामी दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया कामी दुनिया मुझे मिल गया मन कामी दुनिया क्या जाने करो, श्रद्धा से किया करो। और फिर आता है शरणागति। शरणागति में भक्त भगवान से कहता है क्या, जब शरणागत इंसान भगवान को हो जाता है श्याम के, तो भक्त भगवान को कह देता है जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे
बाबा के नाम में हर समय मस्त रहता था।
पति पत्नी घूमने के लिए निकले, इधर उधर खूब घूम लिए, अंत में जाकर नाव में बैठे। इस बार से उस बार गाना था नाव में बैठे, और जैसे नाव में बैठे ठीक हो नाव में पहुंचते हो सवार बैठे थे, और ठीक मजधार में जैसे नाव पहुंचे नाविक ने कह दिया तूफान आने वाला है। क्या कह दिया? तूफान आने वाला, नाव डूब जाएगी, तुम सब मर जाओगे। और अंतिम समय भगवान को याद कर लो, भैया 2-5 मिनट में तुम सब मर जाओगे, मेरे पास साधन नहीं है, नाव में पानी भर रहा है, तुम सब मर जाओगे। और मृत्यु का नाम सुनते भैया बड़े बड़े के पसीने आ जाते। तो किसी के हाथ इबादत के लिए उठे, किसी के हाथ प्रार्थना के लिए उठे, किसी के हाथ बंदगी के लिए उठे, लेकिन श्याम का पिता ने हंस रहा था। उसकी पत्नी का सुनो जी, जीवन का अंतिम समय आ गया, बचपन में मानी तो बचपन बिगड़ जाता है, जवानी में महात्मा ने सदगुरु नहीं तो जवानी बिगड़ जाती है, और अंत में परमात्मा नहीं तो मृत्यु बिगड़ी जाती है। अंत में भगवान को याद कर लो, जिसे गजेंद्र हाथी ने अंतिम समय में कहा हे अखिल गुरु, हे ब्रह्मांड के नायक, हे अखिल गुरु, तो भगवान आए, आप इसकी सूर्य पर उसको बाहर निकाल दिया। ये भागवत उसने श्याम तो मुस्कुराने लगा, पत्नी चिल्लाई सुनो, एक बार चिल्लाई, दो बार चिल्लाई, वो श्याम को गुस्सा आया, उसके पास कटार खड़ी थी, कटार निकाली, पत्नी के गले में लगा के तुझे जान से मार डालूंगा, तुझे जान से मार डालूंगा। पत्नी ने कहा तुम मुझे नहीं मान सकते, क्यों? कि तुम मेरे पति हो। तो उस श्याम भक्त ने कहा तुमने सोच कैसे लिया कि तुझे इस पति पर भरोसा है, तो मुझे मेरे श्याम प्राण पति पर भरोसा, मुझे कभी नहीं मान सकता। तुम्हें करुणा के सागर तुम पालन करता हो बाबा, तुम पालन करता, मैं दूर कर दानी, मैं दूर कर दानी, कृपा मृत्यु लोग का प्राण इतना पापी हो गया, मैं घर में जिस घर में गया शांति
नहीं है। नारद जी कहते जिस घर में दया भाव शांति नहीं है, घर में पति पत्नी लड़ रहे हैं, पिता पुत्र लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं, घर में स्त्रियों का प्रभुत्व देखा गया, घर में सारा लोग सलाह देते देखी गई, नारद जी का मन बड़ा विचित्र हो गया। नारद जी रोने लगे कि मैं क्या करूं, मैं कहां गया, मैं किसके पास जाऊं, और कलयुग की जीव का कल्याण कैसे हो सकता, मृत्युलोक के जीव का कल्याण कैसे हो सकता है। संत रहे नवनीत समाना, संतों का रहे तो ताजा मक्खन होता है, सागर सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है, जीना दोस्ता जीना जो औरों को जीवन देता है। संत भूल कर कभी राजा का संग मत करना, राजा तो बड़े लोगों का, भूलकर कभी राजा का संग मत करना, न जाने कब रुला दे, और भूलकर कभी संतों का संग मत छोड़ना, न जाने कब श्याम से मिला दे, न जाने कब मिला। नारद जी रोने लगे, क्या करूं, किसके पास जाऊं, जहां संत आते हैं भैया वहां सोना सोना हो जाता है, और जहां से संत चले जाते वहां सोना सोना हो जाता है। तीन दिन आनंद रहेगा, उसके बाद आप अपने रिश्ते पे, हम अपने रिश्ते, जब भागवत होती है सात दिन आनंद होता है, फिर आप अपने रिश्ते पे रो, आप भारत से आ रहे हो, भारत के लोग तो कहते हैं कि आपके देश में सबसे अच्छा दूध उस जानवर का गाय का होता है, और आपके जो देश का दूध सबसे अच्छा होता है। स्वामी जी का सुनो, तूने पूछा कौन से जानवर का होता है, इसलिए मैंने बता दिया भैंस का होता, गाय जानवर नहीं है, गाय तो मेरी मां है, गाय जानवर नहीं है, तो मां को दूध नहीं देती, मां को अमृत देती है, मां दूध नहीं देती, मां अमृत देती है। एक बात करूं, जिस बच्चे की मां जल्दी गुजर जाए ना, उसको गाय का दूध पिलाकर बड़ा कर दो, उस बच्चे में इतनी बुद्धि आएगी, इतनी कुशाग्र बुद्धि हो जाएगी कि पूरी दुनिया उसके सामने टिकना पड़ेगी। मां का दूध में बड़ी ताकत होती, गाय के दूध में बड़ी ताकत होती, गाय वाले कौन सी गाय, अपनी वाली गाय, देसी गाय, उस गाय के दूसरे कैंसर होता है, ये साबित हो चुका है, अच्छा है मत पियो, उस गाय से जर्सी गाय का दूध पीने से अच्छा है गाय का दूध मत पियो, ज्यादा अच्छा है, खूब पानी पिया कर उसके लिए। गाय तुमने अधम अनेकों तारे, तुम तो प्रभु तुम ही सारे, जय श्री श्याम जय श्री श्याम। और हनुमान की अजीब की रक्षा की, देव ने अमृत पिया से देव कहलाए, आपने विष पिया से देव ने या महादेव कहलाए, आप तो प्यार की साक्षात मूर्ति है, शिव का ही कल्याण है, जिसका नाम लेने से शिव का कल्याण हो जाता। तो हे प्रभु संसार की रक्षा कैसी होगी ये बताओ, पुकार में दर्द होना चाहिए। हाँ, नारद भाव से भगवान शंकर से कहा, प्रभु जीव का कल्याण कैसे होगा, मृत्यु लोग के प्राणी का कल्याण कैसे होगा। तो भगवान ने आंखें खोल ली, मंद मंद मुस्कुराते हुए, और भगवान ने आंखें खोल कर नारद जी से कहा, सुनो नारद, ये संसार है ना, ये भगवान की नारायण की माया है, हर चीज निश्चित है, यह आना भी निश्चित और जाना भी निश्चित है। जिस तरह प्रेता द्वापर सत्युग चला गया, इसी तरह कलयुग भी चला जाएगा। और सुनो बेटा, तुझे पता भगवान का पता अवतार कहते हैं, रास होते जब जब धर्म परत धरा पर भी सिंधु प्रकट करई सुजन धरहु नमहि। जब परमात्मा हरि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म की रक्षा के लिए भगवान संसार में आते हैं, इसलिए समय का इंतजार करो बेटा। और सुनो, कोटिन जतन करो मन चाहे फल तो लई जब ऋतु आए। एक किसान करोड़ों प्रकार के यत्न करने के बावजूद फल और फसल तो फलती जब ऋतु आती है। समय का इंतजार करो,
किसान कितना भी पानी डाल दे लेकिन समय से पहले वो फलेगा नहीं। हाँ, ज्यादा पानी डालोगे, अच्छा खाद दोगे तो तंदुरुस्त रहेगा। जो व्यक्ति सुबह 4 बजे जल्दी उठता है वो तंदुरुस्त रहता है, स्वस्थ रहता है, मस्त रहता है। तो ज्यादा अच्छा खाद बीज डालोगे, अच्छी चीज दोगे तो तंदुरुस्त रहेगा पौधा, मस्ती रहेगा। भगवान संजय कहते हैं, महाराज जी सुनो बेटा, महाराज इसलिए समय का इंतजार करो और सुनो, जिस तरह सतयुग के अंदर, ध्यान से सुनना हम सब, जिस तरह भगवान संजय कहते हैं, जिस तरह सतयुग के अंदर भगवान ने खंभ को फाड़कर नृसिंह के रूप में अवतार लिए थे, उसी तरह कलयुग में पृथ्वी को फाड़कर श्री श्याम जी के रूप में अवतार लेंगे। और सुनो, पृथ्वी को फाड़कर बाबा श्याम का शीश प्रकट होगा। शीश श्याम सम कलयुग मान, कोई नहीं कोई देव गुसाई, जय श्री श्याम जय श्री श्याम, आटो वाले बाबा जय श्री श्याम। उपस, अरे एक बात को, दुनिया में इंसानों को कहीं नींद नहीं आती, कथा में नींद आती है। आप 10 घंटे पिक्चर देख लो, नींद नहीं आई, 10 मिनट माला लेके देख लो, ये तो ऐसे ये हॉल के अंदर थिएटर जैसा बना हुआ, लेकिन यहां पिक्चर दूसरी चल रही है। तभी तो आकर इसी तरह बैठ गए थे ना। बोले कि भगवान होते हैं, कहीं नींद नहीं है, नींद की बीमारी उसको कथा में लाकर बिठा दिया करो, अगर खराटा नहीं मारे तो मुझे कहते समझ में तो आ रही है, कथा नहीं आ रही है, आ रही है। ऐसा मत कहते बाहर जाकर महाराज ने कुछ कहा ही नहीं, लेकिन आए ना आए कोई बात नहीं, मुस्कुराकर कह दिया करो जय श्री राम। हाथ उठाने के बाद आप हाथ उठाते क्या खुश होता है? मैं चाहता हूं कोई पुकार लग जाए उसके पास, जब होती है करुण का तो सावधान, पता नहीं कौन सी आवाज में वो आपका हाथ बदल ले और आपको खाते में चौकट पर जाकर छोड़ दे। इसलिए वो बार बार कहता हूं आपसे, अब पकड़ के मत बैठना, पकड़ बन के बैठ जाओ। धन तो बहुत है लेकिन हमें भी धन भी चाहिए। और एक सत्य कहता हूं, श्री श्याम सरकार महिला समिति ने बड़ा उपकार किया है, बड़ी कृपा की है इस पूरे लिया पर, वास्तव नहीं किए, वो तो ऋण उठा रहे हैं। देखा जाए आप किसी को कहने जा सकते हो लेकिन सत्संग में देख रहा ना, मैं आपको वंदन करता हूं, नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं आपकी साधना को कि आपने इतना बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा, कितने लोग इसमें से एक भी अगर उस चौकट तक पहुंच गया तो आप यहां कथा करवाना सार्थक हो जाएगा, कथा करवाना सार्थक हो जाएगा। दिन रात एक लगे हुए हैं, कितने दिन से कितनी हर सरव का सर्वस्व सौंप के बैठे हैं लोग, कभी किस तारीख आएगी, कभी किस तारीख आएगी, कब महाराज जी आएंगे, आज सुबह यात्रा भी हो गई, आनंद रस बरसा रही, बारिश भी होगी, सब कुछ हो गया, मेरे परमात्मा यहाँ ही बैठे हैं। आज मैं मुझसे खाते में मैंने बाबा खाते में नहीं आते बोल दिया, आज मुझे खाते में पूरे जैसे पास तो बात देखा बड़ी कंजूस आदत है। मैं पूरी दुनिया घूम के आया हूँ, चारों देर घूमता हूँ, लेकिन पुलिया के भक्तों को देखकर मान गया था आज आपको, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा ये पावा, तीसरे दिन आप खुद बोल दोगे मस्ती से जय श्री। इसलिए रोज उमा ने कहा प्रभु गलती हो गई, कथा सुना दीजिए। एक बार होती है वो अति भूल, पहले कोई चीज होती भूल होती, दुपहर होने तो गति गलत, पहले भूल होती है, भूल होती है छोटा सा शब्द आजकल बोलते हैं, अगर गलती हो जाए भूल हो जाए
तो गुरु गोविंद के जाओ, भगवान के सामने जाओ, आंखों से अश्रु टपक पड़े तो आपकी भूल माफ हो जाएगी। गोविंद सीधे खड़े होकर जाओ, आपने पूजा घर में बैठ जाओ, उसके सामने बस दुनिया कोई आपका विस्तार नहीं करेगी, आप भगवान के सामने बैठो, अंदर बैठे ना ठाकुर उसको किस बात पे करो, रोज सत्संग किया करो भैया। भगवान शंकर कहते हो मां तो रोज सत्संग करती है, आपके घर में दो चीज रोज होनी चाहिए, कबीरा मांगे मां दीजे वर मोए लो, संत समागम हरि कथा मो घर निस दिन। दो चीज मेरे घर में रोज होनी चाहिए, रोज संतों का आवागमन होना चाहिए, पता नहीं भगवान कौन से देश में आ जाए। कबीरा इस संसार सबसे मिलिए धार, न जाने किस देश में नारायण ले जा, न जाने कौन से देश को भगवान दर्शन देते हैं। तो रोज सत्संग किया करो, सत्संग वो गैराज है जहां मनुष्य की मस्तिष्क की धुलाई होती है, सत्संग वो गैराज है जहां मनुष्य जैसे श्याम कहोगे अपसेट माइंडसेट। एक अंधा व्यक्ति था, वो रोज खाटूम भेजा रहा था, रोज बाबा का दर्शन करने जाता था। तो किसी ने कह दिया, कुछ मस्करे थे ना, कुछ मस्करों ने कह दिया, अरे अंधा क्यों दुनिया को उल्टू बनाते हैं पागल, क्या कोई अंधे भी भगवान का दर्शन करते हैं, क्यों जाता रोज वहां पे। अंधा कहेगा वो गुस्सा करके, क्या माना मैं तो अंधा हूं, तो नहीं मैं तो अंधा हूं, मैं देखू ना देखू कोई बात नहीं, वो मुझे देख ली बहुत बड़ी बात है, मैं इसलिए रोज जाता हूं पता नहीं कब मुझे वो देख ले। और भगवान देखते हैं, एक संत था रोज सत्संग करता था, एक वकील ने सत्संग से कहा, संत महात्मा जितना सत्संग करते हो आप भगवान का नाम इतना अगर नाम नहीं देते हो, दो घंटे सुबह सुबह पाठ पूजा नहीं करते ना, तो कितना समाज का काम करते आप, कितना काम वो कर सकते थे। संत कुछ नहीं बोले। एक दोपहर को वकील साहब भोजन कर रहे थे, तो संत ने कहा, वकील साहब दो घंटे भोजन में लगा दी, अगर दो घंटे आप कितने के कितने लोगों का भला हो जाता है। उसने कहा अगर मैं रोटी नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा, उसने कहा भगवान का नाम लूंगा तो मर जाऊंगा, अगर मैं शाम का नाम सुबह सुबह नहीं लूंगा तो मर जाऊंगा, तेरा यह खुराक है मेरी भजन को आत्मा की खुराक है, आत्मा को प्रसन्न करना भजन गाया करो, भज गोविंदम भज गोविंदम मूल मते, भगवान का भजन सर्वश्रेष्ठ है। श्याम तेरे मिलने का संगी बहाना दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, मेरा रिश्ता पुराना है, मस्ती का खजाना है, शाम के भजनों में मस्ती का खजाना है, बस उसको ही मिलता है जो तेरा दीवाना है, बस उसको ही मिलता है जो तेरा दीवाना। तेरे दामन के धुले ना तेरी में धुले ना धुले, आज ही कर ले तू गुनाहों से तौबा, भगवान जाने कल तेरी आंख खुले। संत कहते जीवन को इस तरह जियो कि आज का मेरा अंतिम दिन है,
कहते हैं भैया तुझे कल मरना है, तो कोई आदमी पाप नहीं करेगा। उसे पता कल तो मरना ही है, कोई पाप नहीं करेगा। ऐसे सोचो आज मेरा अंतिम दिन मिल रहा है, इसके बाद अगर उसकी कृपा होगी तो सांसें आ जाएगी, नहीं होगी तो कोई बात नहीं है। ऐसे जिया करो, पाप नहीं होगा कभी। ये सोच तो जियो कि पाप हो गए उनका प्रभु और शरणागति। अब उमा भवानी भगवान के सामने हाथ जोड़ने लगे और कहती है, मोसम दीन दीन ही से तुम समान रघुवी, ऐसे विचारी रघुवंश मन विशेष रूप से कथा किस किस को सुननी चाहिए। अब सुनो कि शाम कथा किस किस को सुननी चाहिए। जय श्री मुस्कुराता, जय श्री रोटी कपड़ा मकान जरूरी है, मुस्कुराना भी जरूरी है। मुख खोल कर दिल खोल कर हंसना दिल का रोना नहीं पड़ेगा। क्या हुआ? साइलेंट मौत आ गई रात को। दादाजी सोया था, उठे पर सुन उठाना पड़े दिया नहीं। साइलेंट मौत। सुबह को बचपन हंसते देखा, फिर दो पहर जवानी, शाम बुढ़ापा डरते देखा, रात को खत्म कहानी। शिविर के तीन चक्कर दिया, तीन चक्कर। बचपन बहुत बोला होता है, जवानी बहुत दीवानी, उसे बुढ़ापा बहुत बुरा होता है। बचपन बहुत याद आता है, वो कागज वो कश्ती वो बारिश का पानी, वो खेलते थे छोटे छोटे बच्चे जब खेलते थे, क्या वो एक दूसरे को पकड़ना, वो कुरकाई वो एक बच्चा था ऊपर टंगा देता था, कूद कूद के उसको नीचे गिराया था, क्या और वो क्या बोलते पांच साल ठीक नहीं बोलती क्यों संतोषी क्यों ना, उसको पांच साल ठीकरी लगा के उसको फिट कर लेते थे। वो मस्ती कहाँ वो, और वो झूले जो खीम ली थी, खीम खीम समझ गई, खेतों में खीम होती थी, उसका मतलब पूरी खेत मारोड़ी नहीं पहुंचे, काफी दिन हो गए आगे। उस खीम का वो एक रस्सी बना दी जाती थी, दूध निकलता रस्सी बना दी जाती थी, पर उसको पेड़ पर लटका और उसके फिर झूला झूलते थे, और इतना ऊंचा झूला झूल कर उसको बिठा दिया छोड़ के भाग जाना। और पकड़म कड़ाई याद तो होता है, लेकिन अब सब कुछ चला गया, बचपन चला गया। अब क्या सही बताऊं, बचपन बच्चा होता है बड़ा होने की सोचता, बड़ा आदमी छोटे होने की सोचता है, हम सोचते हैं छोटे हो रहे हैं, लेकिन बड़ा होती जिम्मेदारी इंसान को दबा देती है, कुछ नहीं सोचता। वो खेल तो याद आते हैं भैया, मेरी बड़ी बड़ी माताओं को बहुत याद आते हैं। वो दादी की लोरी, वो एक कहानी होती थी, कौन सी की जीजे जीजे की तक नानी के चलो दे रोटी पानी राइट रॉन्ग राइट। वो झीले की कहानी, झील क्या कर मैं नानी के चलो दे रोटी पाऊ, बाद में मार ली बाद में खाते। और आज के बच्चे दादी के पास बैठने का टाइम नहीं है, बच्चों वो किताब वो कहानी वो हम गूगल में सर्च कर रहे हैं, क्या बोल रहे दादी जी, बोलो ना माई बोलो बोलो, पता नहीं आप कुछ बोले दो बात मुझे भी याद आ जाए। ये बचपन था, आज के बच्चों को नहीं तो बचपन मिला,
न मिल सकता है। हमारा जिसका काम है, इतने लोगों के फोन आते हैं, सोचो राम से बड़ा राम का, राम जी ने मुकदमा डाला, उसमें डूब गया, हनुमान जी हंसने लगे, प्रभु देख लिया, तुम्हारी प्रभुताई देख ली, ये तुम्हारा पत नाम, तुम राम से बड़ा राम का नाम है। अब भगवान शंकर श्याम कथा सुना रहे हैं, अब ध्यान से सुनना, चूक मत जाना। अब भगवान शंकर कहते, सुनो मां, तुमने प्रश्न पूछा, यही प्रश्न एक बार देवताओं ने ब्रह्मा से पूछा था, और ब्रह्मा जी के पास सब देवता मिलकर रहे कि प्रभु आगे कलयुग आने वाला, जी का कल्याण कैसे होगा। तो भगवान शंकर कहते, सुनो मां, उस समय ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा था, क्या विधि विधान भांति बताए, यक्ष एक युग द्वापर आए, सिद्ध सूर्य वर्चा कर नामा, श्रापित होइत जई सुरधामा। ब्रह्मा जी कहते, सुनो देवताओं, जो द्वापर युग आएगा तभी सूर्यवर्चा नाम की यक्ष श्रापित होकर सुरलोक का त्याग करेगा द्वापर युग मेरे श्राप से, और वो कहां जन्म लेगा, वो 84 कोटि यक्षों का मालिक होगा, उनका जन्म होगा ले जन्म कुरुवंश हो जथा समय सुग पाय बलवली के नाम के उसका सुरलोक का क्या करेगा और कुरुवंश में जन्म लेगा और उनका नाम होगा वीर बलवली, और वह पांडु कुमार भीमसेन और गंगा का बहुत अतुलित वीर और बल से संपन्न होगा, जब इस कार्य को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देगा, और वह शीश उसके बाद वो कथा युगो युगो तक गाई जाएगी, और वो शीश फिर खाटी में जाकर प्रकट होगा। शीश बरबरी कली महु प्रकट खाटू धाम, पूर्ण करी सब कामना हो नाम धर्म श्याम। शीश खाटू में प्रकट होगा, तो उमा भवानी कहती है ब्रह्मा जी से, देवता कहते प्रभु खाटू के बारे में कुछ बता रहे, मैंने संक्षेप में बात आपको यहां कह दी, अब जैसे जैसे कथा आगे बढ़ेगी ना, तो मैं पूरा का पूरा विस्तार करता जाऊंगा। अब खाटू का वर्णन कर रहा हूं, खाटू क्यों जाते हो, खाटू किस लिए जाना चाहिए, खाटू किसकी नगरी है, सूर्य वंश का लाडला, धर्म शक्ति का लाड, राजा सारी प्राणी हीरो राज सोसा। एक खटवांग नाम का राजा था, जहां से सुनना मुंगाले बढ़ते बढ़ते, वो राजा बड़ा महात्मा राजा था, राजा रानी दोनों खाटू में मेरे नदी बहती थी, कौन सी रूपावती, वो नदी में सुबह सुबह राजा रानी रोज स्नान करते, स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है, ध्यान देने से मन की शुद्धि होती है, दान देने से धन की शुद्धि होती है, राजा रानी गलती चार में उठते भगवान का ध्यान करते, खाटू में आज भी है, मंदिर से ठीक इधर आते हुए वो जहां बापी कबूतर रहते हैं, कबूतर चौक उसको बोलते, उसके बाजू में शिवालय, आज भी वही शिवालय है जहां राजा रानी उसकी शिवालय की पूजा करते थे। नगर बीच शिवालय प्यारा, राजा के जीवन का सारा, जय श्री श्याम जय श्री श्याम। राजा रानी रोज शिवालय में सुबह सुबह पूजा करते थे, और एक बात बताऊं, शाम तक पहुंचना है तो कहीं ना कहीं भगवान शंकर की पूजा करनी ही पड़ेगी। जब नरसिंह मेहता के पास पहले कृष्ण नहीं आए, उन्होंने भगवान शंकर का पूजन किया,
शंकर भगवान प्रसन्न हो गए तो पूछा नरसी क्या चाहिए तुम्हें, तो पता है शंकर भगवान से नरसी ने क्या कहा, मोर कछु ना चाहिए राधा कृष्ण, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे राधा कृष्ण की झांकी का दर्शन करवा दो। अब भगवान शंकर पता क्या कहते हैं, धन नरसी बोधि तिहारी ते तो अरि मांग्यो अति भारी। अरे नरसी तूने तो बड़ा वर मांगी।